तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मॉर्निंग का टाइम है और 7 बज रहे हैं। मैं लगा रही हूँ छत की झाड़ू, छत पर आ गई हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ कमरे से स्टार्ट कर रही हूँ। आप सभी यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारा सामान कमरे में रखा है। तो मैं पहले यहाँ की झाड़ू लगाऊंगी, फिर आगे छत की लगाऊंगी। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने पूरी छत की झाड़ू लगा दी है और अब मैं जाले साफ करूंगी। अगर मुझे इधर उधर थोड़ा कैसे जाले में साफ करती रहती हूँ और देख रही हूँ अगर इधर उधर कुछ जाले हैं वो देख लेती हूँ। तो ये झाड़ू जाले साफ करूँगी, मैं जाले साफ कर लेती हूँ। कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ के जाले भी साफ कर लिए हैं, थोड़े बहुत यहाँ वहाँ लगे थे, थोड़े बहुत ही थे, मैं जाले नहीं रखती हूँ। और बस अब मैं चलती हूँ नीचे, झाड़ू और जाले की साफ करने वाली झाड़ू दोनों चल लेगी, नीचे की सफाई करनी है। और यहाँ पे ये मैंने पन्नी जो अलमारियों की पन्नी है वो यहाँ पे भिगो के रखी हैं। तो बस अभी पानी गर्म हो रहा है, तो वो फिर पानी गर्म हो जाएगा फिर मैं ये करूँगी, फिर
ओके तो अभी फिलहाल मैं नीचे चलती हूँ, ये तो पानी गर्म हो रहा है, टाइम लगेगा उसमें, जब तक मैं नीचे की झाड़ू वगैरह तो लगा ही लूँगी। और हाँ, ये कचड़ा भी भरना है, तो ले कचड़ा भर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैंने सुबह से छत की झाड़ू लगाई और छत को अच्छी तरीके से क्लीन किया, धोया भी, तो आप सभी देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ है छत। और मैंने ये अलमारियों के रेक्सिन भी धोए, तो बस मैं ये सूख गई हैं, मैं इनको ले जाती हूँ नीचे साफ करके और फिर और कपड़ा पहन के फिर इनको अलमारी में बिछाऊँगी। और ये एक चटाई भी धोई थी, बहुत गंदी भी हो गई थी और नीचे वाले कमरे में रखी थी तो इस पर बहुत सारी डस्ट भी इकट्ठी हो गई थी, इसलिए मैं इसको लेके आई और मैंने इसको धोया। और ये कुछ कपड़े धोए थे, ये मैंने हाथ से धोए क्योंकि इन पर कुछ ऐसे डार्क ऐसे निशान लग गए थे जो मशीन से नहीं साफ हो रहे थे, तो यहाँ का ये भी एरिया क्लीन कर दिया है। और इस कमरे में काफ़ी सारा सामान अब हो गया है, तो बस मैं ये लेके नीचे जाती हूँ और अलमारियों में पन्नी बिछाती हूँ, सॉरी रेक्सिन। तो रेक्सिन बिछाने के बाद और हमारा खाना वगैरह हो गया है आज, मैंने क्योंकि काम काफ़ी सारा था तो जल्दी चक्कर में फिर मैंने दाल चावल बनाए हैं आज खाने में, और पापा के लिए रोटी, दाल से रोटी पापा खाएंगे, मैंने तो दाल ली थी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ कमरे का वीडियो शूट करने के लिए आई थी, तो देखा आर्यन हमारे भाई हैं जो तैयार हो रहे हैं, और उनको तैयार होने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि उनको हेयर स्टाइल बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। वो पहले कई बार सोचते हैं कैसे हेयर स्टाइल बनाऊँ, फिर काफ़ी बार उनको काटते हैं, फिर बिगाड़ते हैं, फिर काटते हैं। मैं काफ़ी देर तक खड़ी रही थी, फिर मैंने कहा इसको वीडियो शूट ही कर लेती हूँ, तब जाके फिर मैंने इसका वीडियो शूट किया। तो फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ देख रहे हैं मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है और सामान लगा दिया है अच्छे तरीके से। तो बस घर वालों की तो आदत होती है, हम चाहे इतना क्लीन कर लें मगर हमें तो करना ही है क्लीन, हम कर देते हैं, मगर मुझे तो बेकार लगता है बिल्कुल ही अगर गंदा हो। मगर क्या है कि अगर जो चीज़ यहाँ से उठाते ना वहाँ पर रखते नहीं हैं। आर्यन की आदत है, तेल लगाया, खोला, ऐसे करके खोलता है ना वो, और तेल को लगाने के बाद इस तरह खोल के चला जाता है। अगर ये बोतल गिरेगी तो तेल फर्श पे भी फैलेगा, फर्श भी चिकना होगा और तेल का भी नुकसान होगा, तो वो ये कभी नहीं करता है। मैं उसको कितनी बार टोकती हूँ कि भाई तेल लगाने के बाद ये लगा दिया कर, नहीं वो नहीं लगाता है। अभी भी मैंने उसको, और इसका तो देख लीजिए लगाने का झंझट ही नहीं है, तोड़ ही दिया, लगाना नहीं पड़े ढक्कन, इसलिए देखिए इसका तोड़, इसका ये ऊपर का कैप है वो तोड़ ही दिया है, जिससे लगाना ही नहीं पड़े। तो ये वाला तेल अरे अब ये नहीं लगा रहा, उससे ये लेके आया है वो डाबर अमला, तो ये लगाता है अब, तो देखिए कितना बढ़िया काम है। मैंने उसको टोकती हूँ ना बार बार कि ये लगाता नहीं है, ये बड़ी वाली सीसी, अब इसमें थोड़ा सा बचा है पतंजलि का, तो वो ढक्कन नहीं लगाता कभी भी, मैंने उसको कई बार देखा है। और कपड़े उतार के इस वाली अलमारी में डाल देता है, मैंने अभी साफ़ किए तो अभी लगाए हैं ये धो के सारे, तो अभी आप सभी देख सकते हैं अच्छे तरीके से साफ है। अलमारी को भी क्लीन किया मैंने और यहाँ पे भी सामान लगाया है अच्छे से, तो उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैंने जो भी क्लीन किया है अच्छे तरीके से और लगा भी दिया है, और किचन का भी जो रेक्सिन थी वो मैंने अलमारी में बिछा दी है, साफ कर दी है किचन भी, और घर भी पूरे तरीके से क्लीन हो चुका है और अब अच्छा लग रहा है मुझे, और उम्मीद करती हूँ आप सभी को भी अच्छा लगा होगा। और मैं वैसे सुबह
जितना भी मैंने क्लीन किया है सब कुछ आप सभी के साथ शेयर करती, मगर हमारे यहाँ पे आज सुबह से लाइट नहीं थी। जितना भी मैंने काम किया है अंधेरे में किया है, नीचे तो और ज़्यादा अंधेरा रहता है, ऊपर तो भी हमारे जाल है तो उजेला रहता है बीच वाले पोर्शन में, मगर सबसे लास्ट में मैंने जो नीचे का क्लीन किया है उसमें तो बिल्कुल अंधेरा रहता है। मैंने मोबाइल की टॉर्च से पूरा साफ किया, नीचे का क्लीन किया, छत आप सभी के साथ में शेयर की, छत का क्लीन किया और रूम को भी, दोनों रूम को भी क्लीन किया और जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत जाला लगा था वो भी साफ़ किया। तो आज मेरे ऊपर से नीचे तक पूरा घर क्लीन हो चुका है और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है और उम्मीद करती हूँ आप सभी को भी बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर देना जिससे आप सभी को मेरे ब्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप मेरे ब्लॉग को सबसे पहले देख पाए। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।